जिला परिषद सदस्य एवं सीटू के जिला उपाध्यक्ष रवि कांत के नेतृत्व में द्रंग ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने पंचायत भवन पधर से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रवि कांत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना जिसमें मनरेगा मजदूरों को हिमाचल प्रदेश श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर किया गया है, उसकी प्रतिलिपि जलाकर सरकार का विरोध जताया गया। रवि कांत ने बताया कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ, उस सरकार ने मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस अधिसूचना को यदि रद्द नहीं करती तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को जो अधिसूचना जारी की है, जिस अधिसूचना के तहत मनरेगा मजदूर जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर जो पंजीकृत थे उनके लाभ रोक दिए गए और उसके साथ साथ मनरेगा मजदूरों को जो है बोर्ड से बाहर कर दिया और उसके साथ साथ मनरेगा मजदूरों को जो अलग अलग तरह के बेनिफिट मिलते थे उनको भी बंद कर दिया है। इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के अंदर विभिन्न वार्डों के अंदर और द्रंग ब्लॉक के अंदर भी हमने CITU के बैनर तले पंचायत भवन से लेकर एसडीएम कार्यालय तक जो है रैली निकाली और वहाँ पर जो है जो प्रतिलिपि जो उसके अपनी नोटिफिकेशन की थी उसको वहाँ पर एसडीएम कार्यालय के बाहर जलाया गया और सरकार को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही सदी सूचना को रद्द नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा।